हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाठी कहानी का उद्देश्य। लाठी कहानी का उद्देश्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप क्लास ट्वेल्थ में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि लाठी कहानी का उद्देश्य क्या है, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे, जिससे आपको सुनने मात्र से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही हम इसे ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं लाठी कहानी का उद्देश्य आखिर है क्या। स्टूडेंट, लाठी कहानी का उद्देश्य किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, ठीक है, कितने नंबर आपको मिलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, कितना आपको लिखना होता है, ठीक है, ये भी आपको मैं भी बताऊंगी। ये स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में इसका उद्देश्य ही लिखना होता है, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछता है, तो आपको इसे ना ही ज़्यादा लिखना है और ना ही कम लिखना है। ठीक है, तो जितना आपके एग्जाम में बोला जा रहा है आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो मैं उतना ही लेकर के आई हूँ जितना आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक समरी के तौर पर आपको समझा दूँ। जैसे कि लाठी कहानी का जो उद्देश्य है, यानी कि लाठी कहानी जो है इसकी जो कथाकार है वो शिवानी जी हैं, ठीक है, यानी कि शिवानी हैं, और इसमें जो है जोशी जी का वर्णन किया गया है, यानी कि कप्तान जोशी जी हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है इस कहानी में, यानी कि लाठी कहानी में। और जोशी जी की एक पत्नी है जिनका नाम है बानु। तो जोशी जी और बानु जी का इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस कहानी का आखिर उद्देश्य है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से डालना है हेडिंग, लाठी कहानी का उद्देश्य, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और उसमें लिखना क्या है आइए देखते हैं। शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथाकार थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाठी कहानी की जो कथाकार है वो कौन है, शिवानी जी हैं। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध महिला कथाकार थी। ठीक है, आगे देखिए, इन कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, इस कहानी में, लाठी कहानी में नारियों की विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। लाठी कहानी जो है एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस कहानी में कप्तान जोशी जी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, बानो था। ठीक है, ये अपने पत्नी से क्या करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। और आगे देखिए, टीवी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती हैं तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी यानी कि जोशी, कप्तान जोशी की जो पत्नी थी, ठीक है, वो टीवी की मरीज थी, मतलब उनको ये एक बीमारी थी टीवी की। और ये जब अपनी बीमारी से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती हैं, बहुत ही परेशान हो जाती हैं, तो ये अपने आप को मारने की कोशिश करती हैं, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती हैं, यानी कि बाद में लाठी बनकर के कप्तान यानी कि जोशी से मिलती हैं, परंतु बोल नहीं पाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बोल ही नहीं पाती हैं। जब ये बाद में मिलती हैं कप्तान से तो ये कुछ बोल नहीं पाती हैं। ठीक है, इस कहानी का मूल उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रादशी को दिखाना है। त्रादशी मतलब दुखद रचना को दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस त्रादशी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि दुखद रचना को दिखाना है। तो इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो मध्यम वर्गीय समाज में पति के
बिना अकेले रहने वाली महिला के दुखद रचना को दिखाना है। तो आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा, यही था लाठी कहानी का उद्देश्य। ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना होता है आपको, इतना ही लिखना होता है। तो कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम लाठी कहानी का उद्देश्य बता दीजिए, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जिन बच्चों ने भी कमेंट किया उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ, जिन बच्चों ने भी कमेंट किया था तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।